तो दोस्तों, कढ़ी आपने बहुत सारे तरीकों से देखी होगी, खाई होगी, बनाई भी होगी, बट ये वाली रेसिपी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली ना, तो आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कढ़ी बनाने का ऐसा लजीज तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा, साथ ही इतनी शानदार रेसिपी बनकर तैयार होगी ना कि आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप दही ले ली है। मैंने यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है और उसे अच्छी तरह से हम फैट लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है एकदम स्मूथ वाली दही हमें चाहिए। तो दही हमारी फैट कर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। और आज की रेसिपी का जो गेम चेंजर है, यानी कि ये तड़का, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इसे स्किप नहीं करना। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और 1 टीस्पून राई के दाने डालकर इसे बढ़िया से चटकने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है एक बोल में। हमने जो तड़का बनाया था वो गरम गरम तड़का हम बेसन के ऊपर डाल देंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप इसे पक्का करना। इससे क्या होगा, जो पकोड़े हमारे बनकर तैयार होंगे ना, उसमें राई का इतना कमाल का स्वाद आता है ना, आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो बस आपको क्या करना है, जब तेल हम इसमें डालेंगे ना, तो इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट आप मिक्स कर लीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि थोड़ी सी गुठलियाँ बन रही हैं, पर अगर आप इसे कंटिन्यू मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल हट जाएंगी, आप देख सकते हैं। और बेसन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। सबसे पहले आपको इसमें तड़का लगाना है, उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक, और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और दोस्तों, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते पकौड़ों में, इसलिए मैंने उन्हें स्किप कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। दोस्तों, यहाँ पे जो पानी का मेज़रमेंट है ना, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमें यहाँ पर जो घोल चाहिए वो अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहले तो जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही पानी इस्तेमाल कर पाएंगे हम बड़े आराम से, साथ ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मिक्स करने से क्या होता है, जो इसमें लम्स होते हैं ना, गुठलियाँ, वो नहीं बनती, ख़त्म हो जाती हैं। और जो मिश्रण हमारा बनता है ना, वो बहुत अच्छा स्मूथ सा बनकर तैयार होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से मिक्स करते हुए इसे रेडी कर लीजिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का मिश्रण हमने यहाँ पर बनाकर रेडी किया है। थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, बट पोरिंग होना चाहिए, मतलब जब हम इसे तेल में डालें तो बड़े आराम से चला जाए। ये देखिए, बस इस तरह का, हद से ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है कि चम्मच से गिरे ही ना, इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और यहाँ पर आप इस मिश्रण को टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि सूखे मसाले थोड़े कम हैं तो आप इस स्टेज पर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा पकौड़ों का मिश्रण रेडी है। दूसरी ओर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिश्रण इस तरह से लेना है और इसके पकोड़े तेल में डालने हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखा है मैंने, और तेल भी हमारा मीडियम हॉट था, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उस स्टेज पर एक टाइम पे जितने भी पकोड़े कढ़ाई में आते हों आप उन्हें ऐड कर लीजिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए बढ़िया एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक आप इन्हें फ्राई कर लें। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कढ़ाई में बहुत सारे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। जब पकोड़े हमारे पूरी तरह से फ्राई हो जाते हैं ना, तो फिर ये बबल्स जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं। बस आप देखिए, इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो चुका है, बबल्स भी कम हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और सेकेंड बैच को भी मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। ये पकौड़े इतने शानदार हैं ना, आप इसे बिना कढ़ी के भी खाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएंगे। दोस्तों, तो आप इस रेसिपी को ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट आज की जो हमारी रेसिपी है वो कढ़ी की है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पर मैं आपको उससे पहले अपने पकौड़े तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत बढ़िया से कुक हो चुके हैं, और ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, मैं 7-8 तो ऐसे ही खा जाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ही बनाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। अब कढ़ाई में हमने बाकी सारा तेल निकाल दिया, सिर्फ 5 से 6 बड़े चम्मच तेल छोड़ दिया है। उसमें हम डालेंगे थोड़े से करी पत्ते, इससे स्वाद खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। जब एक बार आप देखें कि हमारे करी पत्ते चटक जाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन डाल दिए, गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है। अब इसे चलाते हुए बेसन को तब तक भुनेंगे जब तक इसमें इस बढ़िया सी खुशबू ना आने लग जाए।
2 से 3 मिनट लग सकते हैं दोस्तों, अगर आप लो फ्लेम पर भुनेंगे। आप इसे मिक्स करते रहेंगे ना, तभी आपको पता लग जाएगा कि बढ़िया सी भीनी भीनी सी बेसन की खुशबू आने लग गई है, मतलब हमारा बेसन भुन चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा गिलास पानी। बड़ी ही सावधानी के साथ इस स्टेज पर आप पानी ऐड करें और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखिए किस तरह का ये मिश्रण लग रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे कि जो हमने पानी डाला है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, और ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ये बढ़िया से थिक हो चुका है ना। इसी स्टेज पर अब हमें अपनी दही ऐड करनी है। जब आप देखें कि ये मिश्रण थिक हो चुका है, उसके बाद ही हम इसमें दही डालेंगे। दही हमने पहले से ही फेंट कर तैयार कर ली थी। जब आप दही इसमें ऐड करें तब गैस का फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर बढ़िया से चलाते हुए 2-3 मिनट तक हाथों को ना रोकें, ताकि जो हमारी दही है वो ख़राब ना हो और बहुत अच्छी तरह से हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे 2-3 मिनट बढ़िया से मिक्स कर लिया। अब उसी बोल में थोड़ा सा आधा कप हम पानी लेंगे और जो दही वाला बाउल था उसमें इस पानी को ऐड कर लेंगे। दोस्तों क्या होता है, जो कढ़ी होती है ना, थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो शुरुआत में हम उसे थोड़ी सी मीडियम कंसिस्टेंसी की ही रखेंगे। जैसे ही हम उसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो और गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही हम उसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे। अब बस पानी डालकर भी हमने इसे मिक्स कर लिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। नमक डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कीजिए क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल किया हुआ है। 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सभी चीज़ें इस स्टेज पर ऐड कर कर आप इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 2 से 3 मिनट तक हम छोड़ देंगे कि इसमें एक बहुत बढ़िया बॉईल आ जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बॉईल आने के बाद आप देखेंगे इसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। साथ ही जितने भी सूखे मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी कढ़ी के फ्लेवर के अंदर बहुत बढ़िया से रच जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2-3 मिनट वेट किया, बढ़िया से इसका कलर चेंज हो चुका है, सूखे मसाले रच चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अपने पकोड़े। तो यहाँ पर सभी पकोड़े आप इसमें ऐड कर लें। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे और ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, जो पकोड़े हैं उनके अंदर कढ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छे से चला जाता है और पकोड़े हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 मिनट तक हम गैस का फ्लेम फ़िलहाल ऑन रखेंगे। तब तक हम यहाँ पर एक तड़का बना देंगे जो इस कढ़ी के फ्लेवर को और बढ़ाएगा। वैसे ये वाला ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें नहीं तो स्किप कर सकते हैं, बट वो राई वाला पक्का करना है, उसे स्किप नहीं करना है। इसे बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच देसी घी में मैंने थोड़ा सा जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा दिया। जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। देर ना करते हुए तुरंत हम इसे मिलाएंगे। गैस का फ्लेम बंद हो उसी स्टेज पर आपको लाल मिर्च पाउडर डालने हैं और उसके बाद ये तड़का हम अपनी कढ़ी में लगा देंगे। ऐसा करने से इसमें जो देसी घी का फ्लेवर अरोमा है वो भी आ जाता है, साथ ही इसका कलर भी थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बस ये तड़का लगाने के बाद आप इसे 1 मिनट तक ढक्कन लगाकर छोड़ दें। उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये कढ़ी हमारी बनकर रेडी है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, जीरा राइस के साथ खाएं, किसी के साथ भी सर्व करें। ये रेसिपी इतनी शानदार बनती है ना, आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों मैंने पहले भी आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर की थी, आप सभी ने उस पर बहुत प्यार दिया था। आज की रेसिपी को भी पक्का ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर इन्जॉय करें। अगली वीडियो में मिलती हूँ।